क्रिप्टो करेंसी ऐप से फेक अमाउंट क्रेडिट दिखाकर अपने ही परिचितों की फेक आईडी बनाकर 6,70,00,000 की ठगी करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर के विजयनगर में नो बॉर्डर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पीयूष सिंह ने साइबर सेल में शिकायत की थी। इसके अनुसार जापान के उनके क्लाइंट रियोत केशी कुबो के लिए उन्होंने क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन बनाई थी। इस एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी बोनस और रिवॉर्ड ई वॉलेट में ट्रांसफर करती थी। विजयनगर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी से जुड़े संदीप गोस्वामी को ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। संदीप ने ये एप्लीकेशन बनाई थी। उसने ई वॉलेट के अंदर फेक आईडी बनाकर फेक अकाउंट क्रेडिट दिखाए और इस आधार पर उसने अपने परिचितों के नंबर पर ई वॉलेट में 25 BTC 30 ETH क्रिप्टो करेंसी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर उसे बिटकॉइन करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से कन्वर्ट कर परिजनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था। इसकी कीमत 6,70,00,000 थी। संदीप इंदौर के GSITS से पास आउट है और इंदौर IT पार्क में स्थित एक IT फर्म में भी वह काम कर चुका है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। देखिए, जुलाई माह में नो बॉर्डर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संचालक पीयूष सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपने एक जापानीज क्लाइंट के लिए रियो ताकेशी कुबो के लिए एक ऐप डेवलप किया था, जिसमें कि ग्राहक जो है अपनी क्रिप्टो करेंसीज पार्क करते थे और उसको पार्क करने के एवज में उनको रिवॉर्ड पॉइंट या बोनस मिलते थे। इसी ऐप के जो डेवलपमेंट हुआ था उसके दौरान एक डेवलपर था संदीप गोस्वामी, उसके द्वारा इस ऐप में सेंध लगाकर और फिक्टिशियस यूजर्स यानी फर्जी यूजर्स बनाकर और वो जो रिवॉर्ड के रूप में जो क्रिप्टो मिलती थी उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करके फिर भारतीय एक क्रिप्टो एक्सचेंज है WazirX, वहाँ पर उसने वॉलेट्स क्रिएट किए और वहाँ पर ये बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए। इस तरीके से उसने वो अवैध लाभ कमाया। तो उस समय जो हमारे फरियादी ने जो सूचना दी है उसके हिसाब से 23 बिटकॉइन और 30 टीथर ETH, तो उस समय तत्समय जो इनका भाव चल रहा था उसके हिसाब से लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि थी।